नमस्कार दोस्तों जो आप अभी इतना सुंदर सा स्टूडियो देख रहे थे मेरे साथ वो स्टूडियो जिन भाई का है वो और भी ज़्यादा सुंदर है दिल से भी और हर तरह से आवाज़ में भी आपको सुनाएंगे भैया की आवाज़ यह तरुण पांचाल भैया टी आर स्टूडियोज़ के नाम से आप सभी जो रोहतक के आसपास भी रहते होंगे वो सभी तो जानते ही होंगे और जो मेरे भाई पूरे इंडिया से देख रहे हैं वो टी आर स्टूडियोज़ को ज़रूर एक बार यूट्यूब पर टाइप करके सर्च कीजिएगा तो तरुण भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल में आप ही के स्टूडियो में लेकिन हमारे चैनल आ, नमस्कार सभी को तरुण पांचाल की तरफ से टी आर टीम की तरफ से आपको नमस्कार और ये जो भैया आप बता रहे थे इतना खूबसूरत स्टूडियो उनको उनका हाथ है ये खूबसूरत स्टूडियो <laughs> बनवाने में क्योंकि यहाँ पे जो आप इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं इतने प्यारे प्यारे इंस्ट्रूमेंट है एडम के मॉनिटर है और लाउडनेस के लिए हमने चेस एट लगा रखे हैं और ये जब जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ये सभी भैया के पास से मिलते हैं तो तक के चारों तरफ जितने शहर है जितने कस्बे जितने एरिया जितनी सिटी है के पास उन लोगों को बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि सारी चीजें जितने इंस्ट्रूमेंट है वो भैया के पास लगभग सभी इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों ये तो मेरी ऐड कर दी भैया ने थैंक यू सो मच उसके लिए बट मैं आपको बताना चाहूंगा इंस्ट्रूमेंट्स बेशक मैंने दिए हुए हैं लेकिन नॉलेज जो मैं भी लेता हूँ वो भैया से ही लेता हूँ क्योंकि मुझे इनकी अभी नॉलेज नहीं है वो भैया से लेते हैं और आज आप सबको भी हम यही नॉलेज देने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं इसका मकसद ही यही है कि आप सब भी जान सकें कि स्टूडियो कैसे बनाते हैं क्या क्या सामान स्टूडियो में यूज होता है और क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए क्या आपको स्टेप्स लेने चाहिए स्टूडियो बनाने के लिए क्या क्या सीखना चाहिए उसके बाद आपको ये सोचना चाहिए कि आपको स्टूडियो बनाना है तो ये आज तरुण भैया हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जी। कि क्योंकि मेरे पास मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ हालांकि मैं दुकानदार हूँ और मेरी सेल बढ़ती है बट मैं ऐसी सेल नहीं चाहता कि जो बंदे को पता ही ना हो और वो दो महीने में छह महीने में अपना सामान पैक करके रख दे वो माँ सरस्वती का अपमान है जी। तो उसके लिए क्या एक इंसान को स्टूडियो शुरू करने के लिए क्या चीज आनी चाहिए जब उसको लगे कि मेरे को अब स्टूडियो शुरू कर लेना चाहिए आशीष जी मैं कभी भी बिजनेस के जैसे बात नहीं करता मैं बिल्कुल ओरिजिनल और स्पष्ट बात करूंगा आ, देखो अगर हम ये कहते कि स्टूडियो आप लगाओ ये आपको इंस्ट्रूमेंट भैया दे देंगे वो सारी चीजें वो तो भैया तो हमेशा अवेलेबल है लेकिन स्टूडियो आपको सेटअप करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले आप कहीं सीखे अच्छा जब आपको अच्छी नॉलेज हो स्टूडियो का काम सीखने के लिए म्यूजिक कैसे बनाते हैं रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं मिक्सिंग मास्टरिंग वो सब कैसे करते हैं आप स्टेप वाइज बढ़िए शुरू में आपको एक बेसिक सेटअप की ज़रूरत होती है बाद में फिर आप थोड़ा सा और एक्सपेंसिव ले सकते हैं फिर आप प्रोफेशनल सारी चीज़ें हेडफोन माइक वगैरह सब प्रोफेशनल्स ले सकते हैं लेकिन वो बेसिक से एडवांस तक भैया के पास सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो आप जो भी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करें पहले अच्छा सीखे और आप महंगा कंप्यूटर ना ख़रीद के एक नॉर्मल लैपटॉप से शुरू कर सकते हैं और आ, आप आ, टू चैनल के साउंड कार्ड यूज कर सकते हैं एक सिंगल माइक ले सकते हैं और कोई भी नॉर्मल हेडफोन लेके तब सीख सकते हैं आप तरुण भैया मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा जी। चलो ये सामान की बात हुई अगर हमारे फॉलोअर्स में से कोई सीखना सीखना चाहे सिखना चाहे तो क्या आप भी सिखा देते हैं उनको ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ ऐसा हमारा है यहाँ पे स्टूडियो में जी ऑफलाइन हम सिखाते हैं ऑफलाइन तो, तो हमने कभी सिखाया नहीं नीचे नंबर आ रहे होंगे तरुण भैया को तंग ज्यादा नहीं करना है आपने और जो सीरियस सीरियस जो सीखने वाले होंगे प्रोफेशनल बंदे जो सीखने के लिए प्रोफेशनल की तरफ जो जाना चाहते हैं सीखने के लिए सिर्फ वही कीजिए ऑनलाइन भैया नहीं सिखाते बट ठीक है एज पर आपकी डिमांड धीरे 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 उस चीज़ पे भी हम लाएंगे भैया को अगर ज्यादा कस्टमर्स हुए और ज़्यादा अच्छे लोग हुए कस्टमर नहीं चाहिए भैया को ये मैं इतना तो मैं जान चुका हूँ उन्हें कस्टमर नहीं चाहिए उनको म्यूजिक लवर्स चाहिए तो अगर आप एक्चुअल में म्यूज़िक लवर हैं और सीखना चाहते हैं और रोहतक के आस पास तो टी आर स्टूडियोज और कौन से वाला टोल है तो उनकी एक बार एड्रेस ज़रूर बता दो आपका मेरा स्टूडियो रोहतक मकड़ौली टोल प्लाजा के पास है तो आप यहाँ आके मुझे डायरेक्ट कॉल ही कर सकते हैं <laughs> और एक चीज मैं एक क्वेश्चन और पूछ के आपको तंग करूंगा। जी, जी. सिंगर्स को रियाज कैसे और क्या करना चाहिए देखो आजकल जितने नए जो आ, सिंगर्स आ रहे हैं सबसे पहले उनकी जो लिसनिंग है वो उन्हें अच्छी करनी चाहिए कि वो अच्छे गाने सुने अच्छे गाने से मतलब थोड़ा रैप वगैरह से और जो टेक्निकल गाने जो सॉफ्टवेयर से बनाए गए हैं ऐसे गानों से बचे जब तक कि वो सीख रहे हैं जो पुराने गाने हैं ओरिजिनल जो बिना किसी सॉफ्टवेयर बिना किसी टेक्निक के जो आ, किसी इंसान की मेहनत से जो गाने बने थे आप पहले वो ओरिजिनल गाने सुनिए और एक कोई अच्छे गुरु के पास जाइए और गुरुजी की सेवा कीजिए और उनके पास सीखिए और मेहनत से आप अच्छे सिंगर ऐसे ही बन सकते हैं तो थोड़ा आपने आज गुनगुना लिया और आप कल सिंगर बन गए और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उठ के परसों आप स्टूडियो बना दो ऐसा नहीं जितनी बातें भैया ने बताई हैं तरुण भैया ने उन सब को ध्यान में रख के अच्छे से रियाज करके अच्छे से सॉफ्टवेयर को सीख के उसके बाद आप में कॉन्फिडेंस आएगा फिर धीरे धीरे छोटे सामान से शुरू कर कर फिर आप ऐसा प्रोफेशनल स्टूडियो बना सकते हैं यू नहीं कि ये वीडियो देखी और आपके पास पैसे हैं आपने भी एडम्स खरीद लिया आपको चलाना ही नहीं आता तो मैंने जब शुरुआत की थी मेरे स्टूडियो में स्टूडियो तो नहीं कहूँगा मैंने मेरे रूम में ही सेटअप किया था अच्छा तो उस टाइम पी फोर के कंप्यूटर थे तो पी फोर के कंप्यूटर में मैंने जब क्यूबे फाइव चलाया था सबसे पहले और इंटेक्स के जो होम थेटर्स होते हैं मैंने उनसे शुरुआत की थी क्योंकि तब मुझे मिक्सिंग मास्टरिंग तो नहीं करनी थी सिर्फ प्रोडक्शन ही सीख रहा था और वहां से करते करते धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप बढ़ो आप आगे ये भी नहीं कि एकदम से बहुत सारे आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए कल को ऐसा हो जाएगी आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही या आपको ऐसा लगेगा ये मुझसे नहीं होगा नहीं। तो वो आपके पैसे वेस्ट ना हो तो आप धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप चले आगे थैंक यू भैया आपके टाइम के लिए और हमें स्टूडियो में आए और मुझे बहुत अच्छा लगा हम हमेशा आपकी शॉप पे मिलते थे आज भैया भैया है और का नेचर बहुत अच्छा है। आपको ओरिजिनल चीज यही दे सकते हैं ये की गारंटी है तरुण पांच साल की गारंटी है और गारंटी है बस <laughs> <laughs> और और मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हुए मेरी गारंटी तो मैं तो तरुण भैया की गारंटी क्या लू बहुत छोटा हूँ मैं तो इस लाइन के अंदर और अभी मेरे भी मैं गुरु ही बोल सकता हूँ आपको जिसको भी सीखना है दोस्तों वो सीरियस लेके म्यूज़िक को सीखिए म्यूज़िक को ख़राब मत करो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि आप म्यूज़िक को ख़राब मत करो क्योंकि म्यूज़िक जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है वो इंडिया से ही पैदा हुआ है आप उसको बदनाम ना करो उल्टे सुलटे म्यूज़िक बना के और स्टूडियो बनाना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और स्टूडियो के बारे में कुछ भी सीखना हो तो तरुण भैया का भी नंबर नीचे दिया गया है उस पर संपर्क कीजिए थैंक यू सो मच नमस्ते इंडिया